ਸਾਵਾਦਾ ਵੀਰ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਪਧਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਮੀ एडवोकेट अभिषेक राज जी अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी, कुछ साथियों ने अपने सवाल पूछे और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके उनके जवाब देने के लिए आ गए हैं। बहुत सारे वकील भी आ गए हैं जो उन सवालों का जवाब देना चाह रहे थे। एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का डिस्कशन चल रहा था। वकील का जो प्रोफेशन होता है या वकालत का जो प्रोफेशन होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अक्सर भूल जाते हैं। एक प्रिविलेज होती है इस प्रोफेशन में, जिसको कहते हैं क्लाइंट काउंसिल प्रिविलेज। क्लाइंट काउंसिल प्रिविलेज का मतलब यह होता है कि क्लाइंट और काउंसिल के बीच में जो समस्या होती है, जो डिस्कशन होती है, वो पब्लिक ना जाए। यहां हो क्या रहा है कि लोग जितने भी हमारे समण संगी हैं वो यहां आ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम रख रहे हैं और उसका सॉल्यूशन यही चाह रहे हैं। ये जो समस्या होती है, जो लीगल इश्यूज होते हैं या जो इस तरह के इश्यूज होते हैं जिसमें लॉ इन्वॉल्व होता है, उसका एक एंगल से कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इस बात को सब समझे पहले। वो मल्टी डायमेंशनल सॉल्यूशंस होते हैं उसके, और कई बार कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो सामने नहीं दिए जा सकते। और जो लोग अपने सवाल लेकर के वकील के पास आते हैं, वो भी ये ध्यान रखें कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो सबके सामने पूछे भी नहीं जाते हैं। आपकी कोई समस्या है, यहाँ पे बहुत सारे वकील साथी हैं, चैट बॉक्स में लगातार अपने नंबर देते रहते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर किसी अधिवक्ता को या किसी वकील साथी को ये लगता है कि वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो नंबर सॉल्व कर सकते हैं, तो उनका नंबर लेके बात कर सकते हैं। हिमाचल का बंदा अगर बिहार के बंदे से ये कहेगा कि भैया आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरा लैंड रेवेन्यू का केस है जो हिमाचल में चल रहा है, तो बिहार के लैंड रेवेन्यूज के जो लॉज हैं वो अलग हैं, वो वहां बैठ के नहीं सॉल्व कर सकते। बट हाँ, वो एक बेसिक गाइडेंस दे सकते हैं, वो बता सकते हैं, शायद वो एक वहां के एक काउंसिल से कनेक्ट भी कर दें कि ये आपकी मदद करेंगे। ऐसा ही जो काम है, ये समर संघ ने शुरू किया था 5 मई 2021 से। ऑनलाइन बैठकें शुरू हुई, वी द पीपल नाम से ये मीटिंग शुरू हुई, और इसमें अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग जगहों के लोग जुड़ते चले गए। यहाँ पे डॉक्टर जुड़े, वकील जुड़े, इंजीनियर जुड़े, बिजनेस पर्सन जुड़े, सरकारी लोग जुड़े, नेता भी यहाँ आए, यहाँ पे हर तरह के लोग आए और यहाँ अपनी बात रखी और आज भी अपनी बात रख रहे हैं। उसका फायदा ये हुआ कि हम सब लोग बहुत जल्दी ये समझे कि जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, जो हमारा पुराना समय में हमारी जो पद्धति चलती थी आपस में मिलने जुलने की, जब तक हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो बात आती है, वो बार बार घूम करके ये आती है कि समर संघ है क्या। दरअसल समर संघ किसी ने बनाया नहीं है, समर संघ कोई लेकर के नहीं आया है। समर संघ तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा, उनके भी जो दादा परदादा रहे होंगे, ये उस समय से चला आ रहा है, बुद्ध के पहले से भी चला आ रहा है। सारे जितने भी फैसले हमारे लिए जाते थे पुराने समय में, वो सब साथ बैठ के लिए जाते थे, और वो जब तक फैसले साथ बैठ के लिए जाते रहे, तब तक हम ठीक ठाक चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। धीरे 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 करके हमें वो सारी आदतें डाली गई जिससे हम बिखर गए, और वो सारी आदतें डालने में वो लोग सक्सेसफुल रहे जो लोग ये चाहते नहीं थे कि हम इकट्ठा होके चलें, क्योंकि इक्वालिटी की बात वो करता है जो इक्वालिटी के मायने जानता है और जो इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस रखता है। इक्वालिटी कहां से आएगी? इक्वालिटी आएगी साथ बैठने से, साथ बात करने से, एक दूसरे की बात समझने से। लेकिन अगर व्यभिचार आएगा, गलत बातें आएंगी, गलत चीजें हमारे अंदर आएंगी, तो इक्वालिटी भी नहीं आ सकती, इक्वालिटी खत्म हो जाएगी। बुद्ध के बाद से ये इक्वालिटी धीरे 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 करके खत्म कर दी गई। फिर ये इक्वालिटी बहुत हमारे अलग अलग समय पे अलग अलग महापुरुष आए जिन्होंने ये इक्वालिटी आगे लाने का काम किया। उन्होंने बहुत सारी चीजें वो भी बताई जो
पहले समय से चलती आ रही थी। फिर एक ऐतिहासिक रिवॉल्यूशन हुआ जब बाबा साहब इस देश में आए, उन्होंने इस देश का संविधान बनाया। संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी तो संविधान सभा में ये बात उठी कि ये जो आप फंडामेंटल राइट्स लेके आए हैं या ये पूरे और ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा लेके आए हैं, ये ढांचा कहां से आया है। बहस के दौरान अगर आप संविधान सभा की बहस पढ़ेंगे तो पता चलेगा बाबा साहब ने जवाब दिया था ये सब बुद्ध से उठाया है। बराबर अधिकार, हर इंसान को समान देखना, हर इंसान के लिए समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये सब जो है बुद्ध के समय से या जब से हमारा संघ चलता है उस समय से, बुद्ध से भी पहले से ये सब चला आ रहा है। इस सब को बाबा साहब ने हमको पिरो के दिया संविधान में और कहा कि भैया ये जो संविधान है ये तुम्हें चलाएगा और ये देश को चलाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो भी कही थी। उन्होंने ये कहा था कि संविधान को चलाने वाले अगर बुरे होंगे तो संविधान अंततः बुरा साबित होगा, अगर इसको चलाने वाले अच्छे होंगे तो संविधान अंततः अच्छा साबित होगा। इस बात का एक बहुत गहरा मतलब होता है क्योंकि जो हमारा संविधान है उसकी जो पहली तीन लाइनें हैं, जो पहले तीन शब्द हैं वो है वी द पीपल, यानी हम लोग। वो पूरा सेंटेंस है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इस बात पे बहुत बहस हुई थी कि जो संविधान के जो प्रेम्बल है इसकी पहली लाइन या इसकी शुरुआत कैसे की जाए। किसी ने कहा अल्लाह के नाम से कर लो, किसी ने कहा ईश्वर के नाम से कर लो, किसी ने कहा प्रकृति के नाम से कर लो। तो ये डिसाइड किया गया कि नहीं, ये जो है वी द पीपल के नाम से होगा, हम लोगों के नाम से होगा, क्योंकि संविधान जो है वो हम लोगों से चलता है, हम संविधान से नहीं चलते हैं। बार बार हमें ये देखने को आता है कि अलग अलग मन से अलग अलग आवाजें आती हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बात कहते हैं संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। वो ये और वो संविधान की किताब लेके, वो जो एक मोटी किताब है उसको लेके, उसको सिर पे रख के आगे चल पड़ते हैं और भाषण देते लंबे लंबे, हमको ये किताब बचानी है। अरे आप ये क्यों भूल जाते हो कि वो जो किताब है वो किताब तब तक है जब तक आप उस किताब को मानते हो कि वो है। उस किताब से आप नहीं हो, आपसे वो किताब है। आप वैसी हजारों किताबें बना सकते हो, आप उस किताब में अपने हिसाब से संशोधन कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उस किताब को चला सकते हो, बशर्ते आप सब लोग इकट्ठे होके आ जाओ। क्योंकि संविधान की किताब ये कहती है कि मेरे बच्चों अगर तुम इकट्ठे होके आओगे तो तुम मुझे कैसे भी चला लेना, तुम इस देश को कैसे भी चला लेना। लेकिन हमको क्या बताया जाता है, ये किताब हमको बचानी है, ये किताब हमको बचानी है। हमको ये किताब नहीं बचानी है, हमको खुद को बचाना है। ये किताब अपने आप बच जाएगी और जब वो किताब बच जाएगी तो आप उस किताब के माध्यम से इस देश में, इस धरती पर जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं, जैसा चाहें वैसा जा सकते हैं, जो सुख चाहें वो ले सकते हैं, जो सुविधा चाहें वो ले सकते हैं। हम जो इतने सालों से लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब किस लिए कर रहे हैं? समर संघ क्या चाहता है, हम लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको वो सब मिले जिस सब पे हमारा बराबर का अधिकार है, हमको वो सब मिले जिन चीजों से हमको वंचित रखा गया है। हमको खुशी से वंचित रखा गया है, हमको संसाधनों से वंचित रखा गया है, वो सारे हमारे देश में ही, हमें उनको लेना है और वो हम इकट्ठे होकर ले पाएंगे। उस दौरान बाबा साहब ने एक बहुत जरूरी बात और कही थी जिसको हम सब चीख चीख के कहते हैं कि भैया बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमने शिक्षा भी ली, हम संघर्ष भी इतना करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन वो जितनी एनर्जी जो है जनरेट होती है वो सारी एनर्जी स्कैटर्ड है और स्कैटर्ड एनर्जी का कभी कुछ फायदा नहीं होता है। स्कैटर्ड एनर्जी का फायदा इसलिए नहीं होता है कि अगर वो एनर्जी बिखरी रहेगी, कभी कहीं लग रही है, कभी कहीं हो रही है, कोई कहीं एनर्जी जनरेट कर रहा है, कोई कहीं एनर्जी जनरेट कर रहा है, वो एनर्जी बिखरी हमेशा रह जाएगी। वो एनर्जी जगह जगह पे छोटे छोटे होल तो कर सकती है बस, इस यूनिवर्स को वो डेंट नहीं कर सकती। अगर आपको कोई भी यूनिवर्स को डेंट करना है तो उसके लिए वो सारी एनर्जी कंसोलिडेटेड रहनी चाहिए। और वो कंसोलिडेटेड एनर्जी कैसे रहेगी, एनर्जी क्रिएट करने वाले तो हम ही लोग हैं, लेकिन हम स्कैटर्ड क्रिएट कर रहे हैं, उस एनर्जी को इकट्ठा करना पड़ेगा। उस एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए, बहुत सारे
संगठन आ गया है, बहुत सारे नेता आ गया है, बहुत सारे लोग आ गया है जिन्होंने कहा कि वो एनर्जी को हम इकट्ठा करेंगे, यानी उन लोगों को हम इकट्ठा करेंगे जो इकट्ठा करने की बात कहते हैं, जो इकट्ठा होना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो सारे अपने अधिकार इस संविधान में दिए गए हैं उनको बचाना चाहते हैं। वो सारे बार बार करके आगे आए, लेकिन उन सब लोगों में एक बात कॉमन रही, वो बात ये रही कि भाई हम इकट्ठा तो होंगे, हम इस एनर्जी को कंसोलिडेट तो करेंगे, बट इस एनर्जी को कंसोलिडेट करने के बाद इसकी चाबी मेरे पास रहेगी, यानी जितने लोग इकट्ठे रहेंगे उनका नेता मैं बनूंगा। अलग अलग लोग आए, बहुत सारे आए कि नहीं सारे नेता इकट्ठे हो जाते हैं, एक मिनिमम प्रोग्राम रख लेंगे, उस तरह के लोग भी आए। तो यहां जितने लोग इकट्ठे हुए वो इकट्ठे हुए जिन्होंने जो है दुनिया भर की खाक छानी है और जिन्होंने ये पाया कि भाई ये हो क्या रहा है। बाबा साहब तो हमको कह के गए थे कि हमको संगठित रहना है, लेकिन हम तो संगठित करने के चक्कर में जो आगे चले, हमने इतने सारे संगठन बना दिए जिसकी कोई संख्या नहीं, कुल मिला के 29 लाख संगठन है हमारे, 29 लाख संगठन में जो है कुछ 4 लाख एक्टिवेटेड हैं, तो वो जितने संगठन थे वो हमको जोड़ने चले और वो बिखर गए। फिर ये देखा गया कि हम पुराने समय में कैसे चला करते थे, पुराने समय में तो कोई संगठन होता नहीं था लेकिन फिर भी हम खुश रहते थे, फिर भी हम यहाँ के राजा थे, फिर भी हम यहाँ पे बिजनेस किया करते थे, फिर भी हम जो यहाँ के टाइकून्स थे, पुराने समय में क्या होता था। तो ये पता चला कि भैया हम तो पुराने संघी हैं, हमारा तो पुराना संघ चला करता था, हम तो बुद्ध से पहले से संघ चला रहे हैं, और उस संघ को धीरे धीरे करके खत्म किया गया। जब उस संघ को खत्म किया गया तो देखा गया कि ये संघ तो हमें बाबा साहब बहुत रिसेंटली दोबारा बता के गए कि तुम्हारा संघ है, यूनियन दिया हमको, तो उस संघ का क्या करना है, उस संघ को हमें झाड़ पहुंच के दोबारा निकालना है और उस संघ को हमें आगे बढ़ाना है। ये काम शुरू हुआ और ये कारवां इतनी तेजी से आगे बढ़ा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत ही जल्दी पूरे देश में अलग अलग जगह से अलग अलग प्रोफेशन के लोग एक दूसरे से जुड़ते चले गए। उसका बहुत अच्छा जो है रिसेंट एग्जाम्पल है वो अभी जो है 26 दिसंबर को डॉक्टर्स की संगति लखनऊ में हुई थी वो है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां इतने सारे डॉक्टर्स आए थे और डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है, डॉक्टर्स जो है वो एक ऐसे प्रोफेशनल पर्संस हैं जो कभी किसी को अपना टाइम देते नहीं है, क्योंकि वो दिन रात लगे रहते हैं, पेशेंट्स के साथ रहते हैं, वो थक जाते हैं, वो अपना टाइम देते नहीं है। लेकिन वहां जितने डॉक्टर आए सब एक दूसरे को देख के अचंभित हो रहे थे कि ये हुआ क्या है कि हम इतने सारे डॉक्टर एक जगह इकट्ठे कैसे हो गए। तो वो बात आई तो वहां पे जो है जो एसपी परिहार जी हैं उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर्स इकट्ठे हो सकते हैं तो जो देश के इंजीनियर्स हैं वो भी इकट्ठा हो सकते हैं। उन्होंने देश के जितने भी इंजीनियर्स थे उनको इकट्ठा करके एक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जो इंजीनियर्स की एक मीटिंग लगाने के लिए वहां से अनाउंसमेंट की। साथ ही देखा गया कि भैया जब डॉक्टर्स इकट्ठे हो सकते हैं और वकील ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वकील क्यों नहीं एक साथ इकट्ठे होकर बैठ सकते और अपनी बात अपना डिस्कशन कर सकते हैं, अपने हाउस नहीं लगा सकते। तो ये बात तय हुई कि भाई जब इंजीनियर्स अपना कर लेंगे तो उसके बाद वकील भी पूरे देश के इकट्ठे होंगे। तो हमें इकट्ठा होने के लिए कुछ करना नहीं है। समण संघ में जो सबसे अच्छी बात है, जो सबको भाती है और सब इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि भाई हमें इकट्ठा होने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, हमें इकट्ठा करने के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है, हमें इकट्ठा होने के लिए किसी के कहने पर चलने की जरूरत नहीं है, हमको इकट्ठा होने के लिए सिर्फ इकट्ठा बैठने की जरूरत है, हमको इकट्ठा होने के लिए एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे की रोटी खाने की जरूरत है, एक दूसरे के यहाँ आने जाने की जरूरत है। तो समर संघ ना तो कोई पैसे लेता है, ना तो किसी पैसे में डील करता है, ना तो किसी को पैसा देता है, अपना आप खर्चा करते हैं, अपने खर्चे पे आते हैं, अपने खर्चे पे आप मिलते हैं और अपनी बात करते हैं। तो जब आप खर्चा अपना करते हैं तो आपका जो ईमान है वो मजबूत रहता है, आप किसी को आप सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखते हैं। अगर आप 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अपने पैसे से इकट्ठे हो रहे हैं, अपने खर्चे से इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप जो सही बात है उसको सही कहेंगे और जो गलत बात है उसको गलत कहेंगे। जो पुराना पैटर्न चलता है, जो पैटर्न हमारा नहीं है, उसको हमें दिया गया, वो ये है कि एक आदमी आपको अपने यहाँ बुलाएगा, आपको अपनी रोटी खिलाएगा, अपनी जय जयकार कराएगा, उसके बाद आप क्योंकि उसकी रोटी खाई है तो मन में चोर आ जाएगा या मन में ये बात आ जाएगी कि भैया इसकी रोटी खाई है तो इसकी बात माननी पड़ेगी, और उसकी बात मानने के चक्कर में हम बार बार पीछे चलते चले जा रहे हैं। हमको बार बार ये तो बताया जाता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, हमको ये नहीं बताया जाता कि हमारा दोस्त कौन है।
हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा भाई कौन है, हमारा घरवाला कौन है। जब अगर हम ये समझ जाएंगे कि भाई ये जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग समण हैं, जितने लोग ये समण संगी हैं, ये सब हमारे भाई हैं और हम आपस में एक साथ रहना है हमें, और उसके लिए हमें पैसे की या उसके लिए हमें खर्चे की या उसके लिए हमें भाषण की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें सिर्फ इकट्ठा रहने की जरूरत है, जैसे हम अपने घर में इकट्ठा रहते हैं, जैसे हम अपने परिवार में इकट्ठा रहते हैं, अपने मोहल्ले में इकट्ठा रहते हैं, अपनी सोसाइटी में इकट्ठा रहते हैं, उस तरह से ही हमको अपने समण समाज में इकट्ठा होकर रहना है। इकट्ठा होने की जो ताकत है वो एक बच्चे को भी पता है, जब वो बचपन में कहानी पढ़ता है कि भैया अगर आप इकट्ठे रहोगे तो मजबूत रहोगे, नहीं रहोगे तो नहीं मजबूत रहोगे। जितने भी बड़े बूढ़े हमारे घर के होते हैं वो अपने बच्चों को बता के जाते थे कि बेटा हम चले जाएं तो तुम इकट्ठे रहना, जितने भी इस धरती पे जितने भी नेचुरली बॉर्न स्पीसीज हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, सब में ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि उनको इकट्ठा रहना है। अगर वो इकट्ठा नहीं रहते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग इकट्ठा नहीं रहेंगे तो हमको खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता है। 70 साल हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट हुए, इन 70 सालों में हमें बहुत ज्यादा गेन कर जाना चाहिए था, क्योंकि इन 70 सालों में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई थी, लेकिन हम इंस्टेड ऑफ गेनिंग हमने वो सब लूज कर दिया। हमने वो सब लूज ऐसे ही नहीं कर दिया है, उसके पीछे हमारे बहुत सारे कारण रहे हैं। उनमें से जो लीडिंग रीजन रहा है वो लीडिंग रीजन ये रहा है कि हम कभी इकट्ठे नहीं हुए, हमको कभी इकट्ठे होने नहीं दिया, और हमको जो इकट्ठा ना होने देने के जो लोग हैं या ना इकट्ठा होने देने वाले जो लोग हैं वो नहीं है जिनको बचपन से हमें बताया गया ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है। उसमें हमें वो इकट्ठा ना होने देने में बहुत बड़ा कारण वो लोग हैं जो हमको ये बताते हैं कि तुम मेरे अंडर इकट्ठे हो जाओ, या तुम मेरे पीछे आ जाओ, या तुम मेरे पीछे आ जाओ। एक व्यक्ति के पीछे जब हम चले जाते हैं तो वो हमें बेच भी सकता है, वो हमें खत्म भी कर सकता है, वो हमें बिखेर भी सकता है, वो हमें कुछ भी कर सकता है। तो ये तय किया गया कि हमें एक के पीछे इकट्ठा नहीं होना है। जो लोग अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, जो लोग अपने अपने मठ चला रहे हैं, उनको उनके मठों पे, उनके दुकानों पे अकेला छोड़ने का टाइम आ गया है। हम सब साधारण लोगों को इकट्ठा होने का टाइम आ गया है। जिसको अपनी दुकान चलानी है वो अपनी दुकान चलाए, लेकिन अपनी दुकान चलाए कैसे? अगर हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इन दुकान चलाने वालों को पैसा देना बंद कर देंगे तो ये दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी, क्योंकि पैसे का तो कोई लेना देना ही नहीं है इकट्ठे होने में। पैसे का अगर लेना देना होता तो बहुत पहले हम इकट्ठे हो चुके होते। पैसे का लेना देना अगर होता तो इतनी मूवमेंट हुई है, इतने पैसे इकट्ठे किए गए, बेहिसाब पैसे इकट्ठे किए गए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए जाते हैं इस नाम पे कि लोगों को इकट्ठा करना है, और लोग हमारे आज तक इकट्ठे नहीं हुए। वो पैसे का क्या होता है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जानते होंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, वो अपना आपस में इकट्ठा हो सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब बात आती है कि हमारे जितने भी वकील भाई हैं वो कैसे इकट्ठा होंगे। एक फोन आया मेरे पास अभी कुछ दिन पहले, एक वकीलों के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भैया हमारा कोई आदमी नहीं है, बार काउंसिल में इतने साल हो गए हैं और बार काउंसिल में हमारा कोई आदमी नहीं है, हमारा दिल्ली में बार काउंसिल में कोई आदमी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बार काउंसिल में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बार काउंसिल वकीलों की इतनी बड़ी बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कितने सारे स्टेट्स है, एक दो स्टेट्स को छोड़ते हैं तो बाकी किसी स्टेट में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप बताइए वो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो। उन्होंने कहा उस रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए हम सारे वकीलों से बात करेंगे और उनके सबके ग्रुप बनाएंगे और उन सबको ग्रुपों को बना के उनको इकट्ठा करेंगे और जो है फिर बार काउंसिल में अपना आदमी भेजेंगे। किसको भेजोगे आप बार काउंसिल में? कि जो इकट्ठा करेगा वो बार काउंसिल में जाएगा। मैंने कहा तो इकट्ठा तो आप लेके आए हो प्रपोजल, आप कह रहे हो कि आप इकट्ठा करोगे, तो इसका मतलब ये है क्या कि आपको वकीलों का नेता बनना है? अब वो चुप लगा गए, वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वकीलों को इकट्ठा तो करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो, जब तक आप ये कहते रहोगे कि आप वकीलों को इकट्ठा करके उनके नेता बनते रहोगे तो आप कभी भी बार काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। आपको वकीलों को इकट्ठा करने के लिए पहले ये बताना पड़ेगा कि आप उनको क्यों इकट्ठा करना चाहते हो। आपको ये बताना पड़ेगा कि उसके पीछे मंशा क्या है। अगर आपकी मंशा ये है कि आप किसी के नेता बन जाओ, या आपकी मंशा ये है कि आप चंदा धंधा इकट्ठा कर लो, या आपकी मंशा ये है कि आप किसी से पैसे इकट्ठे कर लो और उसके बाद बाकी जितना होता आया वैसे चलते जाओ, तो ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला। आपको जेन्युइनली मन से, नियत से, इंटेंशन से इकट्ठा होना पड़ेगा। आप जब नियत से इकट्ठे होंगे, आप सारे वकील आपस में जुड़ेंगे, बैठेंगे और अपने एक दूसरे भाई को सब मजबूत करेंगे, तब हम अपना रिप्रेजेंटेशन बार काउंसिल में भेज सकते हैं। अभी होता क्या है कि हमारा आदमी वकील बनता है,
ये बहुत कड़वी बात है लेकिन ये सच्ची बात है। हमारा आदमी वकील बनता है, वकील बनने के बाद वो समाज में जाके बड़ी बड़ी स्टेजों पे खड़ा होता है, वहां जाके बड़े बड़े भाषण देता है। और ऐसे ऐसे वकील मैंने अपने भाई देखे हैं जो स्टेजों पे बड़ा बड़ा भाषण देते हैं और कोर्ट में खड़े होते हैं तो पीछे से टांगे कांप रही होती हैं उनकी, वो जज के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते हैं। उनसे कहो कि एक ड्राफ्ट पिटीशन फाइल ड्राफ्ट कर दें तो वो ड्राफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमको जितने भी हमारे भाई हैं सबका हाथ पकड़ के आगे चलना पड़ेगा, प्रोफेशनल एथिक हमको सीखना है, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम डायरेक्ट जनक हैं बाबा साहब के, हम डायरेक्ट प्रोफेशनल जो है फॉलोअर्स हैं बाबा साहब के, जो है प्रोफेशनल डिसेंडेंट हैं बाबा बाबा साहब के हम। तो इसलिए जो है हमको ये इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना है कि हमको अपना प्रोफेशन जो है उसको शार्पन करना है, हमको उस प्रोफेशन को स्ट्रांग बनाना है, और वो स्ट्रांग जो बनेगा वो बनेगा एक दूसरे की मदद करके। वो प्रोफेशन जो स्ट्रांग बनेगा वो बनेगा स्किल सीख के, ना कि बड़ी बड़ी स्टेजों पे भाषण दे के। हम अगर स्किल सीख लेंगे तो हमारा आदमी हमारे से अलग नहीं जाएगा। अभी क्या होता है कि हमारे किसी समर्थ संगी को किसी वकील की जरूरत है तो वो ढूंढता तो है वकील, लेकिन उसको बढ़िया वकील नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसका आदमी कहाँ बैठा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसका बंदा कहाँ बैठा है। सिमिलरली जो हमारा वकील है उसको पता ही नहीं है उसके आदमी को उसकी जरूरत है। जब आप अपनी स्किल शार्पन करेंगे तो वो सारी चीजें जो है वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमको साथ साथ में जुड़ने और जोड़ने के साथ में वकीलों को अपनी स्किल्स भी जो है वो शार्पन करनी पड़ेंगी। जब तक हम अपनी स्किल्स शार्पन नहीं करेंगे हम तब तक मुखर नहीं बन सकते, हम अपनी बात नहीं रख सकते। आदमी आपके पास आपका आएगा और कहेगा वकील साहब जरा मुझे ये रिप्रेजेंटेशन वहां देनी है, और अगर आपको पता ही नहीं है वो रिप्रेजेंटेशन कैसे जाएगी तो फिर हमारे यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है। हमारा जो यूज है वो मैक्सिमम हमारी सोसाइटी को हमसे ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी वकीलों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेगी तो वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम ही बताएंगे कानून क्या है, हम ही बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, और हम ही बताएंगे कि भैया इस देश को, इस देश का संविधान कहाँ लेके जा रहा है, इसमें आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। क्योंकि हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम विजनरी हैं, हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम देख सकते हैं कि इस स्क्रीन के पीछे के लोग क्या कर रहे हैं, इस स्क्रीन के पीछे एक्चुअली चल क्या रहा है। तो हमारी जो लोगों लोगों की जो हमसे एक्सपेक्टेशन है उस पर हमें खरा खरा उतरना पड़ेगा, और उसके लिए हमको बार 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 ये मेहनत करनी पड़ेगी। अपने ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने साथियों के ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ना तो हम बार काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं अपनी, और जहां जहां हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो नील बटा सन्नाटा है, उसका कुछ फायदा नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम लॉयर्स बाकी जितनी भी हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो हम सब जानते हैं वो किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब इकट्ठे नहीं है। हम सब इकट्ठे हो जाएंगे तो बिना रिप्रेजेंटेशन के भी काम हो जाएगा, बिना रिप्रेजेंटेशन के लिए भी, बिना रिप्रेजेंटेशन के भी हमारे कई सारे काम ऐसे हो जाएंगे जो हमारे सालों से अटके हुए हैं। अभी डॉक्टर केपी सिंह जी हैं, वो बता रहे थे कि जो है वो छुट्टी पे गए और सस्पेंशन आ गया। अरे अगर हम इकट्ठे होते तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे किसी आदमी को जो एजुकेशन पर्पस के लिए छुट्टी लेके गया है उसके साथ ऐसा काम कर दे। अगर हम इकट्ठे होते तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि हमको कहीं आगे बढ़ने से रोक दे। तो इसलिए हमको ये देखना चाहिए कि हम सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं, और जब तक हम जिद नहीं ठान लेंगे कि हमको जुड़ना है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जिद है जुड़ने की, जिद है आगे बढ़ने की, जिद है समर संघ को आगे बढ़ाने की। धन्यवाद। क्योंकि आज बहुत सारे वकील भाई यहाँ पे इकट्ठा हैं और अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे बहुत सारे वकील भाई आए हैं, और अभी ये बात हुई है कि आने वाले सोमवार को हम हाउस में ही प्रपोजल रखेंगे कि वकीलों का जो संघ है वो अपना काम शुरू करे और ओपीडी जैसे डॉक्टर लगाते हैं वैसे कंसल्टेशन वकील ऑनलाइन देना शुरू करें। तो उसमें जो वकील साथी एक्टिवली काम करना चाहते हैं वो अपना फोन नंबर और अपना एरिया ऑफ प्रैक्टिस और अपना जिस जगह पे वो हैं, जिस कोर्ट में वो हैं, वो चैट बॉक्स में डाल दें ताकि उनसे बात हो जाए और हम जो हमारा कंसल्टेशन ऑनलाइन करने की का एक प्रपोजल है उस पर काम करना शुरू कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद वकील साहब। बहुत बढ़िया सर जी, सो नाइस।
बहुत बहुत साधुवाद साधुवाद सर। अभिषेक राज जी को बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बताया सबको, बहुत बहुत साधुवाद। साधु 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 साधु। जिसका सलूशन इकट्ठा होना है, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सलूशन अपने आप आएगा। आपने बहुत अच्छी, बहुत जन के बीच में जो प्रॉब्लम थी वो सारा सब कंसेप्ट लेके आपने किस तरीके से इसका सलूशन आएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी अतिरिक्त कहते हैं वॉक द टॉक, हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब करने वाले नहीं है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो कैसे होगा हमारा। हम इकट्ठे हो जाएंगे तो सब सब कुछ हो जाएगा। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि Singam Sirunam Gacchami.